टुडे इज अवर इमेज क्लास एंड आई विल टीच यू लेसन नंबर 6 नॉटी नंदू। आज हमारी ईवीएस की क्लास है और मैं आपको लेसन नंबर 6 पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है नॉटी नंदू। कौन है ये नॉटी नंदू, देखते हैं हम। अब नॉटी नंदू यानी कि शरारती नंदू, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। पहले यहाँ देखे, बिफोर वी बिगेन लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो पिक राइट द फूड दैट आर हेल्दी। यहाँ पर नीचे आपको जो पिक्चर्स दी गई है उसमें जो हेल्दी फूड है उसके ऊपर हमें राइट टिक करना है, तो आप देखिए और उसके ऊपर राइट टिक कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें ये कुछ अंगूरित दाने दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हम यहाँ पर राइट टिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर फ्रूट्स है, ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इस पर भी हमने राइट टिक किया। अब यहाँ देखिए ये कुछ स्लाइस दिख रही है, फ्रेंच फ्राइज कुछ है, बट ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसे हम छोड़ देते। फिर यहाँ देखिए ये इडली है, ये भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, तो हम यहाँ पर भी राइट टिक करते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर खाने की थाली लगी हुई है जिसमें वेजिटेबल्स है, राइस है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है, तो हम इस पर भी राइट टिक करते हैं। ईटिंग हेल्दी फूड इज़ गुड फॉर अस, और हेल्दी खाना हमारे लिए अच्छा होता है, तो आप सब भी हेल्दी फूड ही खाइए। चलिए अब यहाँ देखिए, हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ बॉय नेम नंदू हु वुड ऑलवेज ईट अनहेल्दी फूड। अब यहाँ पर हमें क्या है इस स्टोरी में, इस स्टोरी में एक नंदू नाम के लड़के के बारे में बताया है जो कि हमेशा अनहेल्दी फूड, जो अच्छा खाना नहीं होता है वही खाता है। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ नंदू लर्न अ लेसन। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि नंदू ने इस लेसन से कैसे सीख ली। नंदू वुड नेवर ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। नंदू कभी भी अच्छा खाना नहीं लेता है, सही तरीके का खाना नहीं खाता है। ही वुड नेवर हैव हिज मील्स एट प्रॉपर टाइम, और वो हमेशा जब कभी भी दोपहर का खाना होता है वो प्रॉपर टाइम पर नहीं खाता है। व्हेन ही गेट अप इन द मॉर्निंग ही वुड ईट अ स्वीट बन, और वो जब सुबह उठता है ना तो वो खाने में क्या लेता है, स्वीट बन, स्वीट ब्रेड लेता है। ही ऑलवेज वॉन्टेड अ स्वीट जूस आर कोक टू ड्रिंक, और उसे हमेशा क्या चाहिए होता है, या तो कोई स्वीट जूस, कोई मीठा जूस, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसे चाहिए होती है। ही नेवर ईट फ्रूट और वेजिटेबल, और वो कभी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल नहीं खाता है, जो कि बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है। आप सब तो खाते हो ना, नंदू ये चीज़ें कभी नहीं खाता है। चलिए उसके बाद हम पेज टर्न करते हैं और देखते हैं और क्या बता रहे हैं हमें नंदू के बारे में। यहाँ देखे, नंदू वुड नॉट लिसन टू हिज मदर। नंदू उसकी मम्मा की कोई बात भी नहीं मानता है, कुछ नहीं सुनता है। इन हिज स्कूल लंच बॉक्स नंदू ऑलवेज टूक चिप्स बिस्किट नूडल्स एंड बर्गर, और नंदू उसके स्कूल में जो लंच बॉक्स लेकर जाता है उसमें क्या क्या लेकर जाता है, देखो वो लेकर जाता है चिप्स बिस्किट नूडल्स एंड बर्गर, जो कि अनहेल्दी फूड्स है, ये नहीं खाना चाहिए, बट वो स्कूल में लंच बॉक्स में भी यही चीज़ लेकर जाता है। हिज टीचर सैड दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, बट नंदू वुड नॉट लिसन। उसकी टीचर भी उससे कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, बट नंदू उनकी भी बात नहीं सुनता है, वो तो वही खाना लेकर जाता है। देखो उसकी मम्मा भी उसे समझाती है फिर भी नहीं वो सुनता है, उनके टीचर भी उसे समझाते हैं बट वो टीचर की भी बात नहीं मानते हैं। एट डिनर टाइम नंदू वुड से आई हेट रोटी। अब जो रात का टाइम होता है ना खाने का, तो नंदू क्या कहता है, आई हेट रोटी दाल राइस इज सो बोरिंग, मुझे रोटी पसंद नहीं है और दाल राइस कैसे है बहुत ही बोरिंग लगते हैं उसे। ये कौन कहता है, ये नंदू कहता है। नंदू बताता है कि मुझे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं और जो दाल चावल होते हैं वो भी बहुत बोरिंग लगते हैं। I want pizza. He would eat in ice cream or a chocolate pastry before sleeping. और उसे क्या चाहिए, उसे तो पिज़्ज़ा चाहिए, और उसे सोने से पहले आइसक्रीम या चॉकलेट या पेस्ट्री होना ही चाहिए। His father would scold him. But Nandu would not listen. अब जो उसके पापा है ना वो भी उसे
बहुत डांटते हैं बट नंदू उनकी भी नहीं सुनता है। नंदू ऑलवेज फेल्ट टायर्ड। नंदू हमेशा कैसा रहता है, थका थका हुआ रहता है। ही फील सिक ऑफन। नंदू कुड नॉट रन एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड। और उसको क्या बुखार भी आता रहता है और नंदू अपने फ्रेंड्स के साथ न तो दौड़ पाता है न खेल पाता है। ही कुड नॉट स्टडी प्रॉपर। और वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अनहेल्दी चीज़ें खाता है। उसे तो बर्गर चाहिए, बिस्किट चाहिए, चिप्स चाहिए, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये चीज़ें खाता है वो। इस कारण से वो बीमार रहता है, थका हुआ रहता है, रन फास्ट नहीं कर पाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है। वन नाइट नंदू हैड अ ड्रीम। एक रात को नंदू को क्या हुआ, एक सपना आया। ऑल द स्वीट्स चिप्स पिज्ज़ा एंड बर्गर वेर लॉफिंग एट हीम। क्या आए उसके सपने में, उसके सपने में जो सारी स्वीट डिशेस रहती है ना, वो आई, चिप्स आई, पिज्ज़ा और बर्गर सब आए उसके सपने में। और वो क्या करते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। देखिए कैसे हंसते हैं, हा हा हा, ऐसे हंसते हैं और क्या कहते हैं, दे सेड वी मेक यू वेरी सिक। और वो क्या कहते हैं कि हम तुमको बहुत ही बीमार बनाएंगे। नंदू वाज अफेयर्ड। फिर नंदू क्या हो गया, नंदू डर गया। उसके सपने में ये सारी चीज़ें आई और वो हंस रहे थे उसके आसपास और उसे बोल रहे थे कि हम तुम्हें बहुत बीमार बनाएंगे। फिर नंदू तो बहुत डर गया। उसके बाद उसने क्या देखा, जस्ट देन नंदू सा ऑरेंज कैरेट एंड रेड टमाटोज, ग्रीन बीन्स एंड स्पिनेच, येलो बनानास एंड पर्पल ग्रेप्स। फिर नंदू ने क्या देखा, नंदू ने देखा ऑरेंज है, कैरेट है, रेड टोमेटोज, ग्रीन बीन्स, हरी फलिया, स्पिनेच, पालक, येलो बनानास एंड पर्पल ग्रेप्स। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब उसके सपने में उसे दिखाई दे रहे हैं। ये है कैरेट, ये है टोमेटो, स्पिनेच, पालक है, बनाना है, ये सारी चीज़ें नंदू को दिखी सपने में। अलॉन्ग विद देम केम वाइट मिल्क, कर्ड, पनीर एंड चीज़। और उसके साथ ही उसको और क्या दिखा, उसके साथ उसको मिल्क दिखा, दही दिखा, पनीर दिखा और चीज़ दिखा। फॉलोइंग देम वर डाल ऑफ मैनी कलर्स, ग्रीन, येलो, वाइट एंड मोर। और उनके साथ उसको क्या दिखा, और उनके साथ उसके कई तरह की डालें दिखी जो अलग अलग कलर की थी। कौन कौन से कलर, ग्रीन, येलो, वाइट और भी बहुत सारे कलर्स की उसको डालें भी दिखी। द कलरफुल फ्रेंड्स लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कलरफुल उसके फ्रेंड्स थे वो कैसे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर थे। दे फॉट विद द स्वीट चिप्स पिज्ज़ा एंड बर्गर एंड मेड देम रन अवे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो चीज़ें दिख रही थी ना अनहेल्दी चीज़ें, उन्हें मार भगाया, उनसे लड़ाई की और उन्हें वहाँ से भगा दिया। किसने भगाया, जो हेल्दी चीज़ें उसे दिख रही थी ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, बनानास, स्पिनेच, ग्रेप्स और क्या क्या दिख रहा था उसको, मिल्क दिख रहा था और दालें दिख रही थी जो अच्छी चीज़ें थी। उन्होंने ये जो अनहेल्दी चीज़ें होती है, स्वीट चीज, पिज्ज़ा एंड बर्गर, इन चीज़ों को उनसे लड़ाई की और उनको वहाँ से भगा दिया। फिर देखो नंदू क्या कहता है, नंदू ने थैंक यू कहता है। थैंक यू माय फ्रेंड, यू हैव सेव्ड मी फ्रॉम दिस हु वेयर मेकिंग मी सिक। वो उनके उन नए दोस्तों को क्या कहता है, थैंक यू दोस्तों, उन्हें धन्यवाद कहता है और क्या कहता है कि तुमने मुझे इन चीज़ों से बचाया जो मुझे बीमार रखते हैं, बीमार करते हैं। तो नंदू ने उन्हें धन्यवाद कहा। फिर देखिए नंदू न्यू फ्रेंड सेड, नाउ यू नो वी आर सो इम्पोर्टेंट। फिर नंदू के जो नए फ्रेंड्स रहते हैं ना, वो उससे क्या कहते हैं कि तुम्हें अब पता चला कि हम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम ज़रूरी है। इफ़ यू ईट अस वी विल लुक आफ्टर यू। यदि तुम हमें खाओगे तो हम तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। वी विल मेक यू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। हम तुम्हें बढ़ने में और मजबूत ताकतवर बनाएंगे। वी विल गिव यू
एनर्जी टू स्टडी एंड प्ले, और हम तुम्हें एनर्जी देंगे, ताकत देंगे पढ़ाई करने में और खेलने में. वी विल हेल्प यू स्टे हेल्दी, और हम तुम्हें हमेशा स्वस्थ रखेंगे. इस तरीके से ये जो हेल्दी चीज़ें थी ना, नंदू के सपने में आकर उन्होंने अनहेल्दी चीज़ों को लड़ाकर भगा दिया और नंदू को समझा दिया. उसे सीख मिल गई कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती है. तो आप सब भी ये हेल्दी चीज़ें खाइए हमेशा अपने फूड में. फ्रूट्स लीजिए, दाल रोटी, दाल चावल, ग्रीन वेजिटेबल डेली खाइए, मिल्क ड्रिंक कीजिए, जिससे आप भी स्ट्रांग होंगे, आपको भी एनर्जी मिलेगी पढ़ने में और खेलने में, और आप हमेशा हेल्दी रहोगे. ठीक है, तो आप भी जैसे नंदू को इस लेसन से सीख मिली, यदि आप भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खाते हो तो आप भी सीख लीजिए और उन चीज़ों को बंद कर दीजिए. ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच.